हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ब्रश टूल को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रश टूल को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक टूल होता है, ये ब्रश टूल, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और किसी भी इमेज को, जैसे आपने कोई इमेज डाउनलोड मारी या आपने कोई इमेज क्लिक करी अपने उससे, फ़ोन से या कैमरे से, तो उसको आप ब्रश कैसे बना सकते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे। और ये फोटोशॉप के हर वर्जन में काम करेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रश टूल के बारे में, ब्रश टूल को कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको तुरंत यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर से क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये सब्सक्राइब बटन है, इसमें क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहते हैं, तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चले चलते हैं ब्रश टूल के बारे में सीखते हैं जब कुछ। तो जो ये ब्रश टूल होता है, ये बहुत ही बढ़िया टूल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको थोड़ी देर तक का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हैं, या फिर राइट क्लिक को हम यहाँ पर से प्रेस करके ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रश टूल को जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें ब्रश टूल को आपने बताना है कि आपने कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्रशेस हैं, आपने इनमें से कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लिया। और इसको अगर आपने, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसका एक साइज़ होता है और एक इसकी हार्डनेस होती है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, अब इसका अगर हमने साइज़ बढ़ाना है, तो जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। एक तो है इसका मास्टर डायमीटर, मतलब इसका साइज। देखिए जैसे मैं इसको बढ़ाते रहूँगा तो ये साइज इसका बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है इसकी हार्डनेस। हार्डनेस अगर 100% करेंगे तो इसके जो कॉर्नर होते हैं वो शार्प होते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखिए शार्प कॉर्नर बने हुए हैं। अगर इसकी हार्डनेस को हम क्या करें, कम कर दें, तो ये देखिए बहुत ही ब्लर इसमें इसके कॉर्नर आएंगे। तो इसमें हम कलर चेंज करके देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए इसके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल, ये क्या हैं, ब्लर हैं। और इसमें जो क्या कहते हैं, इसके अगर हार्डनेस अगर हम फुल कर दें तो इसके जो कॉर्नर होंगे वो बिल्कुल शार्प होंगे। ये ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ पे, ये है हिस्ट्री। अगर आपने इसमें अंडू करना है तो आप एक कंट्रोल जेड करेंगे तो एक अंडू हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे तो ये मल्टीपल अंडू इसको करता है। तो आप मल्टीपल अंडू करने से बढ़िया आप यहाँ पर हिस्ट्री को यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो हम फिर से न्यू में चले जाते हैं, जैसे ये फ्रेश इमेज थी। अब यहाँ पर ये देखिए, आपके पास आपने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है नॉर्मल, और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। आप इसको अगर डार्क सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो ये हो रहा है, ये सारा का सारा डार्क होगा। अगर आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। देखिए कलर इसका चेंज कर रहा है, जितनी जितनी बार इसको कलर को चेंज करते रहेंगे तो ये अपना ऊपर का कलर लेते रहेगा, डार्क इसको करते रहेगा। ठीक है, ये। और अगर आप इसको यहाँ पर कलर ब्लर लेते हैं तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, इस कलर को ब्लर करेगा। ये देखिए इस कलर में और कलर पेंट करेगा। ठीक है, ये तो आपको चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हम फिर से न्यू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि कितना परसेंट कलर आपको विजिबल होगा। देखिए अभी ओपेसिटी 100% है, तो ये देखिए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये कलर है, इसको नॉर्मल करके अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ओपेसिटी 100%, इसका मतलब है कि 100% इसका विजिबल हो गया। अब इसकी ओपेसिटी मान लीजिए मैं कम करता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 25%, इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 25% इसकी ओपेसिटी करता हूँ तो ये कलर जो होगा, ये देखिए इसका 25% है। अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये देखिए इसका 50% हो जाएगा, ये इसको उसके ऊपर चढ़ता रहेगा। ये देखिए 75 हो जाएगा और ये ऐसे 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से ये ओपेसिटी का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लो, कि ये बताएगा कि इसको कितना एरिया
इसको भरना है, ठीक है। तो ये फ्लो अगर हम हमारा गया है भी 100%, अगर हम फ्लो को कम करते हैं तो ये देखिए कलर इसका जो है कम होने लग जाएगा। ये देखिए इसका जो फ्लो है बहुत स्लो हो गया है। उसके बाद ब्रश में एक और चीज़ है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, फ्लो को भी 100 कर देते हैं, ओपेसिटी को भी 100 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ब्रश टैब होता है। इस ब्रश टैब में आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो हम अगर आपके पास यहाँ पर ये ब्रश टैब दिख नहीं रहा, अगर आप किसी और वर्जन पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विंडो में क्लिक करके ब्रश टैब को एक्टिव कर लेंगे। तो ब्रश टैब को एक्टिव कर लेंगे तो ये ब्रश टैब जो है एक्टिव हो जाएगा। उसमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, शेप डायनेमिक, ठीक है। शेप डायनेमिक में आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर शेप डायनेमिक, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका डायमीटर आपने देना है कि ब्रश का जो साइज है वो कितना रहेगा, वो आप यहाँ पर से भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने शेप डायनेमिक में आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है, जिटर बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस और आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक बार स्पेस, जैसे ये एक सर्किल है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मल्टीपल सर्किल ड्रॉ करता है। तो इसमें हम स्पेसिंग में क्या करते हैं, इसको ये जो सर्किल है इसके, ये देखिए अभी ये स्पेसिंग एक सर्किल के, एक ब्रश के और दूसरे ब्रश के बीच में स्पेस, ये यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये ऐसे करके ड्रॉ करेगा। तो हम इसको फिर से एक बार न्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, इसको हम अगर हमें एक ही चाहिए तो हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं। और स्पेसिंग को अगर हम फिलहाल 1% कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से हम सेव डायनेमिक में आएँ और यहाँ पर से हम क्या करें, ये जो तीन हैं नीचे के जो तीन ये चार हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आपके पास प्रेशर टैब होगा। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये उसके हिसाब से इसको बताएगा कि आपने कैसा काम करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रेशर टैब तो है नहीं, तो हम इसको आपको क्या बताता हूँ, मैं फेड वाला बताता हूँ। तो फेड में देखिए अब यहाँ पर ये प्रीव्यू में ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी फेड की वैल्यू बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 500 कर देते हैं, तो ये देखिए ऐसा ये शो होगा और ऐसा ये काम करेगा। इसको फिर हम नया ले लेते हैं, ये देखिए। और इसका हम ब्रश का साइज बढ़ा देते हैं। ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए आपके पास शॉर्टकट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट की होती है कीबोर्ड में, पी के जस्ट बाद दो होती हैं, एक ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। अगर आप क्लोजिंग वाले को करेंगे तो इसका साइज जो होगा बड़ा होगा, अगर आप ओपनिंग वाले ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इसका साइज जो होगा छोटा होगा। तो हम इसको अभी साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर से अब ये ऐसा ड्रॉ होगा। ये देखिए यहाँ पर से ये शुरू हो रहा है और इधर इधर को ये जीरो, इसकी वैल्यू जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, जीरो तक का आ रही है। देखिए तो ये इसका साइज में थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो ये वहाँ पर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर मान लीजिए आपने किसी के बाल बनाने हैं या कोई एक शेप बनाना है, मान लीजिए कोई स्टार बनाना है या कोई फिश बनानी है, तो इस टाइप के शेप के लिए, शेप बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पर से आप इसका ब्रश का साइज कम भी कर सकते हैं, 300 कर देते हैं मान लीजिए, और इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट में ले आते हैं। तो यहाँ पर से देखिए आप स्टार बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें ब्रश का यूज़ करके आप इसके बहुत सारे शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिर से यहाँ पहुँचा देते हैं और फिर से हम इसकी स्पेसिंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग जो है वो कम कर देते हैं। मान लीजिए इसकी स्पेसिंग हम करते हैं 98 के पास कर देते हैं और इसके हम साइज जिटर यहाँ पर से आता है। देखिए साइज जिटर ये हमें बताएगा कि इसका साइज कैसा होना है। तो देखिए जिटर का मतलब होता है कि गैप, मतलब एक एक और एक ब्रश और दूसरे ब्रश के बीच में कितना वेरिएशन है। तो ये देखिए हमने इसका जिटर जो है वो कितना कर दिया है, 67%। तो अब ये देखिए कैसे ड्रॉ करेगा, ये देखिए कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है। तो आप इसको आसानी से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइज होगा वो डायनेमिकली डिसाइड होगा, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर यहाँ पर दे सकते हैं, मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा। उसके बाद यहाँ पर एंगल जिटर है, यहाँ पर ऐसे आप इसको एंगल भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राउंडनेस जिटर है कि ये कितना गोल होगा, ये लंबा चौड़ा होगा, ये भी आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पेस डायनेमिक। ये देखिए कैसे ड्रॉ हो रहा है, आप इसको यहाँ पर से ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं। ये था अपना साइज शेप डायनेमिक। उसके बाद यहाँ पर आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि ये स्कैटरिंग हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर से स्कैटरिंग काउंट, इसका मतलब ये कितना स्कैटर करेगा, कितना ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्कैटरिंग काउंट, ये स्कैटरिंग में जिटर हो गया, ये आपको जिटर बताएगा। और यहाँ पर से ये स्कैटर बताएगा कि कितना आपने स्कैटर करना है, कितना परसेंटेज में ये आपने स्कैटर करना है। मतलब ये प्रीव्यू में देखिए आप, आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये लीनियर नहीं रहा, ये ऊपर नीचे स्कैटर कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एक ब्रश ले लेते हैं, यहाँ पर से मान लीजिए ये ब्रश हमने लेना है, और हम इसको ये जो पत्ते हैं देखिए पत्ते कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, इसका कलर आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। ये आपने इसका कलर इसको बता दिया है। इसका साइज अगर आपने बढ़ाना है तो आपको मैंने बताया कि जो ब्रैकेट हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उनसे आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए पत्ते यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है टेक्सचर। स्पेसिंग यहां पर से डिसाइड हो सकती है, ये पत्थर की स्पेसिंग है, देखिए ये आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है टेक्सचर। आपने बताना है टेक्सचर में इसको कितना स्केल करना है, तो देखिए टेक्सचर इसको स्केल कर रहा है, ये देखिए टेक्सचर आ रहा है। और यहाँ पर से आप इसको बता भी सकते हैं कि कौन सा टेक्सचर इसने लगाना है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो आता है जैसे मान लीजिए हमने ये यूज़ करा था, आपने इसको एंगल चेंज करना है, ये पत्ता भी जो है ऊपर की ओर का, आपने इस आपको नहीं चाहिए पत्ता ऊपर की ओर का, आपको चाहिए राइट को लेफ्ट को या डाउन को, तो आप उसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पर एंगल से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिंग हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमारा एक ही पत्ता हो। और ये देखिए मेरे को पत्ता अगर चाहिए सीधा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सीधा हो गया। अब मेरे को दूसरा पत्ता चाहिए इधर को, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर को कर सकता हूँ, फिर मुझे चाहिए नीचे को। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है राउंडनेस, इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कि इसको पत्ते को कैसा बनाना है। तो देखिए यहाँ प्रीव्यू में आपको दिख रहा है, देखिए पत्ता कितना राउंडेड होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम नॉर्मल कर देते हैं, एंगल इसका जीरो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर से ब्रश जो है चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला। और यहाँ पर से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप इसको कैसे अच्छी तरह से और यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका शेप जो है छोटा कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं इसका ये, और पेन का हम एंगल ले लेते हैं, ये ब्रश का एंगल हम ले लेते हैं ऐसा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ले लेते हैं इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम नए में करके दिखाते हैं। तो देखिए आप यहाँ से अपना नाम भी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ले सकते हैं। तो ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम जब लोगो बनाएंगे तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम एक अच्छा सा लोगो बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आपने ये क्या करते हैं, आपने ये जो है अपना ब्रश जो है सेट कर दिया, तो अब हमने क्या करना है, इसको टूल प्रीसेट में ऐड करना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपने, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टूल प्रीसेट दिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने ये टूल बना लिया है, ठीक है,
तो आप फ्यूचर में आपने जब भी काम करना होगा तो आपको ये सारी की सारी जो सेटिंग है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसको सेव करने के लिए ये जो टूल है इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए छोटा सा आइकन दिखा हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू टूल प्रीसेट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फिर इसका क्या कर देना है, नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ TOO TEST1 दे देता हूँ मैं इसका। और इंक्लूड कलर, मतलब अगर आप इंक्लूड कलर में क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज कलर का रहेगा, तो हमें अगर बाद में कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको नहीं करते हैं इंक्लूड कलर में, और इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही देखिए ये आ चुका है। अब आपने जब भी मान लीजिए आप इस टूल में हैं और आप इस टूल में आ गए, तो यहाँ पर से आप टूल प्रीसेट में जाके आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इससे पहले ये कर रखा था, और कलर आपने चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से भी आप कलर पिक कर सकते हैं, ये कलर पिकर है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर पिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से कलर ये वाला ले लेते हैं, ओके करते हैं, इसको हम न्यू ब्रश में जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ से टूल प्रीसेट से हम याला जो भी हमने बनाया है TOO TEST1 इसको ले लेते हैं। तो अब हम जैसे जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पर से इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई एक्सटर्नल इमेज है, आपने उसको अपना ब्रश बनाना है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं ताकि वो आपका इधर ब्रश प्रीसेट में आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और बाहर से कोई एक इमेज उठा लेते हैं। चलिए हम यहीं से ड्रैग करके ले आते हैं, मान लीजिए ये वाली इमेज, इसको हम लेके आए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये हम जितने भी इसमें इमेजेस यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, अपने रिस्पेक्टेड ओनर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इमेज है, ये लड़की है, इस लड़की को हमने क्या बनाना है, एक अपने ब्रश के रूप में इसको यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करना है। इस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आपने ये हमने इसको इससे पहले इसमें बताया था आपको इस टूल के मैजिक वन टूल के बारे में, आपने इसको ड्रॉप करा और उसके बाद यहाँ पर से इन्वर्ट सिलेक्शन कर लिया, तो ये आपने इमेज जो है ये पूरी की पूरी जो हो गई सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अगर आप ये इसके तरीके ये भी हैं, एक ये इमेज सेलेक्ट हो गई। दूसरा क्या है तरीका, ये जो लेयर है, इस लेयर में आपने ऑल्ट प्रेस करना है और डबल क्लिक करना है, तो ये ऑल्ट जो लेयर है ये हो गई अनलॉक, अनलॉक हो गई। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम जाते ही यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसका ब्लेंड इसका क्या करते हैं, हम इसको जो इसका लाइट कलर है इससे हम इसको लेके आते हैं आगे को। ठीक है, लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए इमेज जो हो गई है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर से ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं तो हमें ये लेयर ट्रांसपेरेंट मिल गई और ये लड़की जो है काली मिल गई। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इतना एरिया जो है यहाँ पर से क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से इमेज में जाते हैं, इमेज में मोड में जाते हैं और यहाँ पर से ग्रे स्केल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इमेज जो हो गई अब ग्रे हो गई। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर से सिलेक्शन टूल में जाते हैं और कंट्रोल ए के साथ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एडिट में जाना है, एडिट में जाके यहाँ पर डिफाइन ब्रश प्रीसेट में क्लिक करना है। तो ब्रश प्रीसेट में क्लिक करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर नाम दे सकते हैं गर्ल .jpg हमने इसको नाम दे दिया। अब ये देखिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, नो हमें ये नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर से नई कोई एक नई फाइल ले लेते हैं, ओके करते हैं, और हमने क्या बनाया है, उस लड़की को ब्रश बना दिया है। यहाँ पर से देखिए आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर से तो वो इमेज जो आपने बनाई है वो हो गई होगी लास्ट, आ गई होगी लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर आ गई, तो ये देखिए ये इमेज यहाँ पर आ गई है। आपने इसका कलर क्या करना है, जिस कलर में आपको चाहिए उस कलर में आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसको हम फिर से नए आ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर से आसानी से आपने एक इमेज से अपना ब्रश बना लिया है। तो आपको अब जब भी इसको यूज़ करना होगा तो आप सीधे अपने ब्रश में जाके इसको सेलेक्ट करके इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो यहाँ पर देखिए नीचे लाइक बटन होगा, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फोटोशॉप के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए आप हमारा चैनल बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू इम्प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।